हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल सच्चिदानंद एकेडमी पर, जहां मैं लेके आया हूं। इस बार जो रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों, ये एक अपडेट है जो कि डीआरडीओ की तरफ से आ रही है, जहां पर जैसे कि सारी पीएसयूज कर रही है गेट 2023 के लिए अपना जो है रिक्वायरमेंट से पहले ही एक शॉर्ट नोटिस जारी कर दे रही है। तो ये जो अपडेट है दोस्तों, ये डीआरडीओ की तरफ से आ रहा है, जहाँ पर डीआरडीओ ने अपने साइंटिस्ट बी के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंदर ये बताने वाली है कि जो साइंटिस्ट बी के लिए जल्द ही 2023 में गेट एग्ज़ाम होने के बाद ये लोग गेट 2023 के हिसाब से जो है रिक्रूटमेंट लेने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो साइंटिस्ट बी होता है वो काफ़ी रेप्यूटेटेड पोस्ट होने वाली है। इसका जो सीटीसी है लगभग 80 से 90 हज़ार के बीच में वेरी करता है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट होने वाली है। और दोस्तों ये जो है ये लखनऊ रोड असेसमेंट सेंटर तिमारपुर दिल्ली के लिए होने वाली है, जिसके लिए इन्होंने बताया है कि एलिजिबिलिटी और शॉर्ट लिस्टिंग क्या हो सकती है, जो कि गेट स्कोर के आधार पर हो सकती है, या फिर जो आप इनका रिटर्न टेस्ट होता है ऑब्लिक इंटरव्यू उसके आधार पर हो सकती है। जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, वो जो इनकी वेबसाइट है .rac.government.in पर आप लोग देख सकेंगे जल्दी। तो दोस्तों इसी के आधार पर अगर हम लोग पिछली वैकेंसी के आधार पर, जो कि इन्होंने गेट 2022 में निकाली थी, उसका एनालिसिस करके देखें, तो हम लोग बता सकते हैं कि 2023 में लगभग कितनी वैकेंसी आएगी और कौन कौन एलिजिबल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ गेट 2022 वाली इनकी जो डीआरडीओ की वैकेंसी थी, या 2022 की जो साइंटिस्ट बी की वैकेंसी थी, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि 23 में कितना वैकेंसी रहने वाला है। तो दोस्तों जो 2022 में टोटल इन्होंने 579 वैकेंसीज निकाली थी, जहां पर 51 बैकलॉग वैकेंसीज थी जो कि ओबीसी एससी एसटी के लिए थी, फिर 8 वैकेंसी थी जो डीएसटी में थी, और 43 वैकेंसी थी जो एडीए में थी, जो कि आप हमारा पिछला जो जॉब अलर्ट जो डीआरडीओ का हमने निकाला था उसमें भी देख सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन थी फिर ये 21 दिन तक थी। फिर आइए देख लेते कौन कौन एलिजिबल था। तो यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल, एरोनॉटिकल, मैथमेटिक्स, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल साइंस, नवल आर्किटेक्ट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एटमोसफियरिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल थे थ्रू आउट द गेट, और या फिर इनका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करके। तो ये टोटल इतनी वैकेंसीज थी जो हमें देखने को मिली थी पिछले साल। फिर पिछले साल बात कर लेते तो यहाँ पर अपर एज जो थी वो 28 थी जनरल के लिए, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 31 और 33 दी हुई थी। अप्लाई करने के लिए वही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें जाना था और उससे अप्लाई कर सकते थे। साथ ही हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते तो दोस्तों वो बहुत ही कम रखी गई थी, सो इस बार देखते कितनी रखी जाती है। तो और इसकी जो क्लोज डेट मैंने बताई दी थी 21 दिन तक थी। तो ये था दोस्तों एक शॉर्ट अपडेट जो गेट 2023 के बेसिस पर डीआरडीओ ने निकाला, जिस पर हमने 2022 की वैकेंसीज देखी। देखते हैं 2023 में कैसी वैकेंसीज आती है। तो अगर आपको डीआरडीओ 2023 वाला वैकेंसीज देखता रहना है तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, व अपने जितने भी दोस्त हैं दोस्तों उनको शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा पाएँ और एक वैकेंसी लेकर जाए और एक अपना जो है जॉब लेकर जाए। और साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे जो टेलीग्राम में लिंक है वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, हरे कृष्णा।